दोस्तों, यदि आप सोचते हो कि आपके एंड्रॉइड में वायरस नहीं आ सकता तो आप बिल्कुल गलत हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तीन बातें। पहला, आप अपने एंड्रॉइड को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको कैसे पता चले कि भैया हमारे फोन में वायरस आ गया है। तीसरा, आ गया है वायरस तो उसे कैसे निकाले बिना डाटा डिलीट कर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल जो। दोस्तों, वैसे तो एंड्रॉइड में आसानी से वायरस आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एंड्रॉइड पूरी तरह सुरक्षित है। आजकल मार्केट में बहुत सारे वायरस जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाइवेयर, मैलिशियस थिंग्स, ऐसे बहुत सारे वायरस मार्केट में हैं जो आपके फोन में आ सकते हैं। अटैकर्स आपके फोन पर अटैक करने के लिए वैसे ही तैयार रहते हैं जैसे एक शिकारी पेड़ पर चढ़ा बैठा रहता है अपने शिकार का इंतजार करने के लिए। तो अब करना क्या है, बहुत आसान से उपाय है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपका फोन प्रोटेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो आप अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें। हाँ जी, जो भी कंपनी से आपको अपडेट मिलते हैं उन्हें कभी हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं फोन स्लो हो जाएगा। हाँ जी, स्लो हो भी सकता है, आपका फोन की मेमोरी भर जाएगी, लेकिन उसे अपडेट करना जरूरी है क्योंकि वायरस भी तो आ जाएगा। दूसरा उपाय, आपकी सेटिंग्स में जो अननोन सोर्सेज हैं, आपने देखा ना अननोन सोर्सेज, जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो अननोन सोर्स के टैब को आपको ओके करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, उसे कभी ऑन मत करें, यानी उसको बंद कर दें अगर आपने ओके कर रखा है तो। तीसरा, जब आप इंटरनेट चलाते हैं, यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारे पॉपअप्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके फोन में वायरस आ गया है, डाउनलोड कर लो, ये कर लो, उस पर कभी क्लिक ना करें। आपके फोन में वायरस नहीं आया है, वो तो सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और हैक हो जाओ। आखिरी प्रोटेक्शन दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर के बाहर से कोई भी एप्लीकेशन कभी इंस्टॉल ना करें। नेवर, कभी ऐसा ना करें दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर के बाहर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ऐसा ही है जैसा झोला छाप डॉक्टर से आप खून चढ़वा लो और बाद में एड्स हो गया, ये बोलना था मुझे। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में भी इन्फेक्टेड एप्लीकेशन होती हैं, और खासकर ये अर्न मनी वाली एप्लीकेशन के साथ होती हैं, तो फिर भी हो सके तो अर्न मनी वाली कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जिस पे आपको शक है जो कुछ ज्यादा ही दे रही है, उसके डेवलपर को एक बार चेक कर ले, डिटेल ले ले उसकी कि ये सही डेवलपर है या कोई नया डेवलपर है। अगर आपको शक होता है तो कभी भी आप वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, बचे उसके रिव्यू देख ले, ये सब देख के ही आप गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इतना प्रोटेक्शन तो आप रखें। चलिए अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ, कैसे पता चलेगा कि हमारे फोन में वायरस आ गया है। दोस्तों, हमारे फोन का मिजाज, हमारे फोन का व्यवहार ही बदल जाएगा। अचानक से आपके फोन में कई चीजें ऐसी चेंजेस हो जाएंगी, आप सेंस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रोज अपने फोन को प्रयोग कर रहे हो तो कुछ ऐसी चेंजेस होंगे जो आपको फील होने शुरू हो जाएंगे। चलो कुछ लक्षण मैं बता देता हूं। ज्यादातर तो ऐसे होता है कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है कभी कभी अपने आप अचानक, या फोल्डर की बात करें तो ऑटोमेटिक कोई फोल्डर क्रिएट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है, फोल्डर खोल रहे हैं वो खुल नहीं रहा, एक और फोल्डर बन जाता है, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे एक्स्ट्रा आइकन्स आपके फोन में आ रहे हैं, जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं की वो भी उसमें है। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं, वो दोबारा आ जा रही है, नहीं भी कर रहे तो वो भी अपने आप आ रही है। इसके अलावा कॉल हो जाना, मैसेज हो जाना, ईमेल हो जाना, ये अपने आप हो रहा है। और फोन अत्यधिक धीमा या अत्यधिक गर्म हो जाना अचानक से, ऐसी जो भी सिम्टम आपके फोन में यदि अचानक से आ गए हैं तो समझ लो हो सकता है कि आपके फोन में वायरस आ गया है, आपके फोन पर अटैक हो गया है। तो अब करना क्या है दोस्तों, यदि मान लो भगवान न करे आपके फोन में वायरस आ गया है, ये सारे लक्षण आपके फोन में हैं और वायरस भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए भी। आप सबसे पहले अपने फोन के सेफ मोड में जाइए। ये सेफ मोड क्या है दोस्तों, सेफ मोड में कोई भी एप्लीकेशन यानी कोई भी जो वायरस है वो आपके फोन पर अटैक नहीं कर पाता। सेफ मोड में कैसे जाना है, सभी मॉडल्स का सेफ मोड का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, आपको इसके लिए गूगल की हेल्प लेनी होगी। आप एक तो हाउ टू सेफ मोड और आपके फोन का मॉडल, आसानी से आप सेफ मोड में आ जाओगे। सेफ मोड में जाने के बाद आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाएं और वहां पर देखें कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल भी नहीं की और वहां पर है, उसे अनइंस्टॉल कर दें। अधिकतर तो वहीं से वो अनइंस्टॉल हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अनइंस्टॉल पर ग्रे बटन आ रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस के कारण होता है। और इसका भी एक उपाय है बहुत आसान,
तो आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएं और वहां पर सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में जाके आपको मिलेगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वही एप्लीकेशन मिलेगी जो अनइंस्टॉल नहीं हो रही थी। यहाँ पे टैब ऑन हो रहा होगा, उस टैब को आप ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आप दोबारा जब अनइंस्टॉल करेंगे वहां पर जाकर एप्लीकेशन मैनेजर में जाके, तो वहां से वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी और फिर सेफ मोड से बाहर आके फोन को रिस्टार्ट कर लें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। यदि फिर भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज किसी साइबर कैफे या अपने दोस्त के घर कंप्यूटर पे जिसमें उसने खरीदा हुआ अच्छा एक एंटीवायरस रख रखा हो, अपने फोन को प्लीज उससे स्कैन करा लें। और यदि उसके बाद भी आपके फोन में ये प्रॉब्लम है तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको अपने फोन को हार्ड रिसेट करना होगा। हार्ड रिसेट कैसे करना है, चैनल पे वीडियो है, अगर जरूरत पड़े तो देख लेना और कर लेना हार्ड रिसेट। और आखिरी बात, क्या आपके फोन को किसी एंटीवायरस की जरूरत है? दोस्तों नहीं, आपके फोन को एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जिन एंटीवायरस की बात आप कर रहे हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहे हैं वो तो फिर भी वायरस को स्कैन नहीं कर पाते। बाय गॉड बाय फ्रैंक, मेरे फोन में एक बार वायरस आ गया था और मैंने जब मुझे नहीं पता था तब भी मैंने उन एंटीवायरस से, कैस्परस्की की बात कर रहा हूं मैं, उसको इंस्टॉल किया, उससे स्कैन किया तो वायरस को नहीं पकड़ पाया। मैं ये नहीं कह रहा ये वायरस को नहीं पकड़ पाते, मैं ये कह रहा हूं कि कोई फायदा नहीं है, उल्टा फोन को स्लो कर देते हैं, बैटरी खा जाते हैं, पॉपअप्स भेजते रहते हैं। इन शॉर्ट, आपको किसी प्रकार के एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, इन उपाय को करो, आपका फोन वैसे ही सेफ रहेगा। दोस्तों हमारा चंदू भी बड़ा अजीब है, कह रहा है भाई आज तो मजा आ गया। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा है मैं स्टैंड पे खड़ा, एक लड़की आई स्कूटी पे, मुझे बिठाया और जंगल में ले गई और बोल रही है वहां से उतर के स्कूटी खड़ी करके कि मैं और तुम अकेले हैं, जो लेना है ले लो। मैं उसकी स्कूटी ले आया। अब आया चंदू।